हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा जो सेशन है वह आप लोग देख रहे हैं कि मैथ का क्या है बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कितने नंबर का चल रहा है, 2 अंक स्तरीय, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसी बेस पर यह सीरीज पूरा चल रहा है। और अभी तक इस क्लास से पीछे, ठीक है ना, 7 क्लास हो चुका है। यह हमारा आज का बाबू कौन सा क्लास है, 8वां क्लास है। पूरा सुन लीजिएगा इन्फॉर्मेशन इस क्लास के बाद, ठीक है ना। बस एक और लास्ट क्लास आएगा, उसके बाद आपका इन्वर्स, ठीक है ना, इन्वर्स आपका समाप्त, मतलब पार्ट 9 तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। पार्ट 9 तक आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चला है, और पार्ट 9 तक हम कोशिश करेंगे कि 55 गो क्वेश्चन करा दें, ठीक है ना। कै गो? 55 गो क्वेश्चन आप लोगों को हम करा दें। तबीयत में कुछ राहत है, ठीक है ना, बढ़िया है। हम तो क्लास अब आपका रेगुलर चलेगा। जैसे जैसे तबीयत में और ज़्यादा सुधार होगा, वैसे वैसे क्लास की संख्या भी आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बाबू मैथ है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। तो जो लोग नहीं कर रहे होंगे, जो लोग या नहीं जानते होंगे, उनको आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ से वे लोग कर लें, ठीक है ना। चलिए तब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए यह चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों के लिए यह जो क्वेश्चन है बाबू चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। कहाँ बताना है, इस वीडियो के जो बाबू कमेंट बॉक्स होता है ना, तो वह आपका खुला रहेगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ पे आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं आखिर इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 37 पे इंड किए थे, ठीक है ना, 37 पे हम इंड किए थे। तो आज का हमारा यहाँ क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन चांस रहता है एग्जाम में पूछने का बाबू 95%, समझ रहे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना चांस रहता है, 95%। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें देखिए क्या होता है, आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है। पहला बात, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को हम बता देते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों को उसमें अपना एक्स का कुछ वैल्यू पुट किया जाता है। तो यहाँ से पूछा है एक्स का मान कितना होगा, ठीक है ना, यही पूछा गया है कि एक्स का मान आखिर होगा तो कितना होगा। देखिए एक रूल होता है, आपको यहाँ पर हम रूल लिखवा दे रहे हैं कि रूल होता है, यदि आपका रूट में 1+x² रहता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से बाबू लोग पुट कीजिएगा x = tan θ, ठीक है ना, क्या पुट कीजिएगा, x = tan θ। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप ई वाला बतिया मत लिखेंगे, ठीक है ना। यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी एग्जाम में आपको कौन सा लिखना है, ई लिखना है कि पुट बराबर क्या लिखना है, x = आपको क्या लिखना है बाबू लोग, tan θ लिखना है, ठीक है। अब जब आप लोग पुट करिए दिए हैं तो यहाँ से फटाफट थीटा का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से x = tan θ आप लोग पुट किए हैं तो थीटा का मान निकाल लीजिए। टेन आपका जाएगा कहाँ है, इधर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग, tan−1x, थीटा का मान निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बाबू क्या, tan−1 रूट में क्या है, 1+x² है, तो x का मान क्या माने हैं, tan θ। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, tan²θ माइनस का 1 और बाटा में यहाँ क्या हो जाएगा, tan θ, और बराबर का क्या है, 4 डिग्री, समझ रहे हैं ना। बहुत बढ़िया से समझिए, इस क्वेश्चन को समझना होगा आप लोगों को। अब देखिए tan−1 1+tan², 1+tan² क्या होता है, sec²θ, माइनस का 1 और बाटा में क्या हो गया, tan θ,
बराबर का 4 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए सेक स्क्वायर का आप लोग जानते हैं कि बहरी क्या निकलेगा, सेक, क्योंकि जब अंडर रूट रहता है तो दो गो का एक गो बहरी आपका निकलता है। तो यहाँ बाबू हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 और बाटा में क्या हो जाएगा टेन थीटा। देख रहे हैं ना तबीयत अभी कुछ ठीक हुआ है पूरा नहीं ठीक हुआ है, तो आप लोग कैसे भी करके पढ़िए ठीक है ना। देख रहे हैं कि मेरा तबीयत जैसे भी कुछ कंट्रोल में आ रहा है, आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए बाबू लोग टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या करेंगे, 1 बटा में कोस थीटा करेंगे माइनस 1 और टेन थीटा को चेंज कर देंगे साइन थीटा और बटा में कोस थीटा और बराबर का 4 डिग्री। इतना तो हो गया ना। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। इधर टेन इनवर्स है तो हम इधर टेन इनवर्स ऐसे ही लिखेंगे, ये ऊपर वाले का लघुतम लेंगे हम, तो लघुतम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में क्या होगा कॉस थीटा हो गया। और बाटा में यह क्या है आपका साइन थीटा और बाटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यह तो पूरा का पूरा ऐसा ही है और बराबर में क्या है 4 डिग्री है ना। अब देखिए बाबू ई वाला कॉस और ई वाला कॉस कट गया ठीक है ना, ई वाला कॉस कट गया तो हमारा क्या बचा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाटा में हमारा बचा है साइन थीटा बराबर का 4 डिग्री, इतना बचा है। अब यहाँ से चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाटा में 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ठीक है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब दोनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन में रख देना है ठीक है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ हमारा आया है बाबू लोग टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा बाटा में हमारा यहाँ साइन थीटा और बराबर का 4 डिग्री, यही था ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्या रखेंगे फॉर्मूला रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाटा में 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आई इंटू कॉस थीटा बटा में 2 आ बराबर का 4 डिग्री। 2 से 2 कटा, एगो साइन से एगो साइन कटा, एगो साइन बचा, एगो क्या बचा कॉस बचा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए एगो ऊपर है साइन है नीचे कॉस, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन थीटा बटा में 2 और नीचे क्या बचा है कॉस थीटा बटा में 2 बराबर का 4 डिग्री। अब देखिए साइन बटा में कॉस क्या होता है टेन, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं टेन थीटा बटा में 2 और बराबर का 4 डिग्री। तो अब देखिए बाबू हम लोग फिर जानते हैं फॉर्मूला ठीक है ना। कहिएगा सर कितना फॉर्मूला यूज होगा, जितना यूज होगा उतना कर देंगे, क्यों हमारे पास फॉर्मूला का कमी थोड़े है। टेन इनवर्स टेन एक्स, यह एक्स है तो हमारा एक्स आंसर हो गया, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बटा में 2 है ठीक है ना, क्या है थीटा बटा में 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थीटा बटा में 2 बराबर 4 डिग्री हो गया ना। तो अब देखिए बाबू लोग थीटा बटा में 2 बराबर क्या है 4 डिग्री ठीक है। तो ई दुआवा इसमें गुना होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा ना। आ थीटा का मान देखिए यहाँ से क्या निकला था, थीटा का मान यहाँ देखिए बाबू क्या निकला था बताइएगा आप लोग, थीटा का मान निकला था टेन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ थीटा के जगह पे मानवा रख देते हैं ठीक है ना, क्या टेन इनवर्स एक्स बराबर 8 डिग्री ठीक है। तब टेन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग टेन 8 डिग्री ठीक है ना, क्या हो जाएगा टेन 8 डिग्री। जैसे मैं आप लोग समझिएगा बाबू, हमारा वाई बराबर साइन एक्स रहता है, साइन हमारा इधर आता है ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स होता है। यदि यह इनवर्स इधर जाता है तो हमारा सीधा हो जाता है साइन हो जाता है। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ टेन इनवर्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, और जो इधर है वह यहाँ ले लेगा।
तो एक्स का मान ही पूछ रहा था, तो एक्स का मान कितना आ गया बाबू लोग, टेन 8 डिग्री आ गया। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोगों को देखिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा और एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को जरूर से जरूर बनाने आने लगेगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू लोग 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी सवाल है, पहले ही यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या है, इजी सवाल है। आ यह आपका बाबू एनसीईआरटी का सवाल है, तो आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ भी हम लोगों से एक्स का मान पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए बाबू लोग हम क्या करेंगे कि जो इधर हमारा साइन है, ठीक है ना, जो इधर साइन है हम इसको बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारा जरा बताइएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर का हो जाए कितना, साइन इनवर्स 1, यही ना होगा, क्योंकि यह साइन आपका बराबर का उस साइड जाएगा, तो इधर आपका यही ई वाला खाली बचेगा पोर्शन, आ इधर वाला पोर्शन में क्या लगेगा, साइन इनवर्स लगेगा, ठीक है ना। मैथ का खटिया खाड़ कर दीजिए आप लोग। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स एक्स, आ साइन में 1 कितना का मान होता है बाबू लोग, 90 डिग्री का, यानी पाई बाई 2 का, ये हो गया। अब इस कोस एक्स को, ठीक है ना, जो आप लोग ये कोस इनवर्स एक्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, किसको देख रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स को जो आप लोग देख रहे हैं, अब इसका काम करना है, ठीक है ना, इसको बराबर के इस साइड लाइए, ठीक है। तो इधर हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर हमारा बचेगा पाई 2, और माइनस का क्या बचेगा, कोस इनवर्स एक्स बचेगा, ये हो गया। अब इधर से साइन इनवर्स को भी हटाइए, इधर से बाबू लोग क्या करिए, साइन इनवर्स को भी हटाइए, तो साइन इनवर्स हटेगा तो इधर जाएगा, जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, 1/5। अब साइन इनवर्स उल्टा है, ठीक है ना, तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब साइन का रूप ले लेगा। यहाँ आपका पाई 2 और माइनस का बाबू लोग कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से बाबू लोग समझिएगा क्वेश्चन बन गया, यहाँ चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। तो यह देखिए साइन 90 माइनस ई आपका पूरा, इसको आप लोग थीटा मान लीजिए, ठीक है ना, ई वाला जो है बाबू इसको आप लोग का मान लीजिए थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस कोस इनवर्स एक्स, हो गया ना। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोस और कोस इनवर्स एक्स जो आगे वाला होता है यही आपका राइट आंसर हो जाता है, तो इसलिए एक्स बराबर 1/5, ठीक है ना। यह लॉन्ग मेथड था, ठीक है, यह आपका लॉन्ग था, बाकी शॉर्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तैयार रहिएगा, बहुत शॉर्ट में यह 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा आंसर मारिएगा, बाकी यदि आप एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से इसको बनाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं क्या करते हैं, हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुआ है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन रटे रटाए क्वेश्चन देखिए, ठीक है, लेकिन रटे रटाए क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा
इधर उधर कर दिया है। तो आप लोग जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का रटे हुए हैं या कोई अदर बुक का, तो उस बुक का नहीं है, पहला बात है। इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, सबसे पहला बात देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले साइड में इधर आपको हम 2 tan inverse x का तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² फिर आपका होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² फिर होता है आपका टेन इनवर्स 2x बटा में 1 - x². यह आपका 2 tan inverse x का तीनों फॉर्मूला होता है। तो कहिएगा सर ई वाला पूरा फॉर्मेट तो आ रहा है, कहिएगा कि सर ई वाला तो पूरा फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है ना, ई वाला पूरा फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन ई है नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, दो तरीका से भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू क्या कीजिए, आप लोगों को हम बताते हैं शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना, लॉन्ग में भी क्या बताते हैं शॉर्टकट तरीका, यहाँ से सीखिए। दोनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 1/2, दोनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है 1/2, तो 1/2 आप लोग कॉमन ले लीजिए। तो इधर क्या बचा बाबू लोग, साइन इनवर्स 2α बाटा में 1 + α², ठीक है, आ इसमें से क्या बचा आपका कॉस इनवर्स 2α बाटा में 1 + α², यही बचा। तो आप लोगों को बाबू पढ़ाया गया है, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बटा में 2 होता है। तो साइन इनवर्स ई वाला एक्स और प्लस आई आपका कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई बटा में 2। तो टेन इनवर्स 1/2 आ गुना यहाँ पाई बटा में 2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 गुना होगा बाबू लोग, तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई बटा में 4। तो टेन पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, सस्ते में बन गया, ठीक है ना। लेकिन इसी टाइप का जो अदर क्वेश्चन बनता है वो भी हम लिख के लाए हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। इस जो देखिए ई वाला टाइप है ना, यही टाइप आप लोग रटे हैं, तो इसीलिए वो वाला क्वेश्चन लाए थे हम कि आप लोग हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ मत कर दीजिएगा। देखिएगा कि वही क्वेश्चन है, जो आप लोग क्वेश्चन रटे हैं चाहे बनाए हैं, वह आप लोग ई वाला बनाए हैं, वो वाला नहीं बनाए थे। ई वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए वही 2 tan inverse x का तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x², फिर आपका कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² और फिर आपका टेन इनवर्स 2x बटा में 1 - x², ये आपका तीनों फॉर्मूला होता है। बस तीनों लगा दीजिए यहाँ पर, टेन इनवर्स 1/2 आ देखिए ई वाला जो बाबू आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है ना, यह किस पे जा रहा है, देखिए यह हमारा जा रहा है 2 tan inverse x पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 tan inverse x और प्लस 1/2 जो आप लोग ई वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है ना, कौन ई वाला, 1 - x² बटा में 1 + x² जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना, ई वाला, ई भी किसका फॉर्मूला है, 2 tan inverse x का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 tan inverse x, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, देखिए tan इनवर्स, तो यहाँ क्या बचा, tan इनवर्स x आ प्लस का बाबू लोग बचा tan इनवर्स y बचा ना। तब आप लोग को देखिए, चूंकि आप लोग को फॉर्मूला लिखवाया गया, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ y नहीं होगा, x का चल रहा है ना, देखिए रुकिए यहाँ से आप लोगों को सिखाते हैं कैसे बनाना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए बनाने का दो तरीका है, या तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, और ना तो एगो आएगो कैगो होगा, 2 गो, क्योंकि दोनों का जो आगे वाला पोर्शन है x, वह दोनों का दोनों क्या है, सेम है।
तो या तो आप दोनों को ऐसे ही जोड़ दीजिए, एगो आ एगो ई, कै गो हो जाएगा, दू गो। यही देखिए टैन इनवर्स एगो टैन आ एगो टैन, कै गो हो गया, दू गो हो गया। अब देखिए टू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ हमारा टू टैन इनवर्स एक्स मिल गया, बाहरी क्या है टैन इनवर्स, तो टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किस में बैठाएंगे, टैन में। क्लियर, जो बाहरी रहेगा उसी में फॉर्मूला बैठाना होता है। टैन इनवर्स, अब देखिए टैन इनवर्स टू एक्स अबाटा में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, तब देखिए ये टैन इनवर्स कैसे हो गया जी, यहाँ बाहरी इनवर्स नहीं होगा, ठीक है ना, बाहरी इनवर्स होगा तो क्वेश्चन में गलती है, बनवे नहीं करेगा। तो देखिए टैन आ टैन इनवर्स हट गया, तो क्या हो गया टू एक्स बाटा में आपका वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहरिया आपका यहाँ इनवर्स नहीं होगा बाबू, यदि यहाँ बहरिया इनवर्स होगा ना तो फिर क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, वहाँ ओनली टैन होना चाहिए, गलती से लिखा गया है वह उतना आप लोग समझिएगा, आपका यही राइट आंसर होगा। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन अभी तक का बाबू लोग, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन यही, अक्सर इस एग्जाम में ऐसा सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। कि देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन कॉट इनवर्स टैन कॉस इनवर्स एक्स का पूछा है कि मान क्या होगा, देख रहे हैं ना, मतलब चार पांच को लपेट दिया है एक के में, मतलब इसको और कोनो तरीका नहीं मिला था, चार पांच गो को एक के में लपेट दिया है, पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा समझिए, हम आप लोगों को तरीका बताए हैं, यदि एक नंबरिया में आता है, ठीक है ना, कहाँ एक नंबरिया में, तो समझिए यदि एक नंबरिया में आता है तो समझिए कैसे बनेगा। अपने मन से देखिए बाटा में कुछ नहीं रहेगा, ध्यान से, यदि बाटा में कुछ नहीं रहता है तो अपने मन से एक मान लीजिएगा, जिसका कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, एक होता है, यानी जिसका कोई मालिक नहीं होता है उसका मालिक कौन होता है, ऊपर वाला, सबका मालिक एक, तो नहीं है तो बाटा में एक तो लेना पड़ेगा। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है, यह आपका आधार हो गया, ई आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है ना, आधार कर्ण है, तो हमको टेन में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, तो कहिएगा सर टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, आधार कोण दिया हुआ है तो फटाफट इस साइड, ठीक है ना, फटाफट इस साइड हम लोग क्या निकालेंगे, लंब, तो लंब बराबर क्या होता है बाबू लोग, कोण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए कोण का मान कितना है, वन का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यह क्या हो गया, लंब हो गया। देखिए कैसे होगा, अब यहाँ साइन, यहाँ कॉट इनवर्स, यहाँ टैन आ इस कॉस इनवर्स को, ठीक है ना, जो आप लोग कॉस इनवर्स देख रहे हैं, इस कॉस इनवर्स एक्स को डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे टैन इनवर्स, क्लियर, डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब का मान कितना है, रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, बटा में क्या होता है आधार, तो आधार का मान कितना है, एक्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बार समझिए, बटा में हम एक कर दे रहे हैं, यह आपका आधार हो गया, ई आपका कोण हो गया, लंब निकालिएगा, लंब इतना आएगा, तो इस कॉस इनवर्स को डायरेक्ट चेंज कीजिएगा टेन में, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार के फॉर्मूला पे हम इसको रख दिए हैं। अब देखिए टेन और टेन इनवर्स, ई जो बाबू आप लोगों का है अब क्या हो गया, एक्स हो गया, हो गया ना, तो आपका ओनली ई वाला हो जाएगा, साइन कॉट इनवर्स रूट में आपका वन माइनस का एक्स स्क्वायर और बाटा में एक्स, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब बाबू यहाँ से फिर वही लॉजिक लगाना है, ठीक है ना, कौन लॉजिक, वही लॉजिक, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाटा में लंब,
ई आधार है, ई क्या है, लंब है। ऊपर वाला ये आधार हो गया, ई क्या हो गया, लंब। हमको चाहिए का कोण चाहिए, तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो अब देखिए लंब का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, आधार का मान कितना है रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका बाबू लोग स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो वन माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ई कटेगा तो रूट में वन होगा तो क्या आ जाएगा वन। तो अब देखिए यहाँ से साइन, आ इस कॉट इनवर्स को डायरेक्ट आप लोग यहाँ लिखिए साइन इनवर्स डायरेक्ट, ठीक है ना। कॉट इनवर्स को आप डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना है एक्स, तो आप यहाँ एक्स लिखिए, कर्ण का मान कितना है एक, तो बटा में एक लिख दीजिए। तो अब देखिए क्या आया है साइन साइन इनवर्स एक्स, आप लोग बचपने से पढ़े कि साइन साइन इनवर्स एक्स रहता है, तो आपका एक्स क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। देख रहे ना कितना लॉजिक वाला सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परेशानी तक नहीं झेलना पड़ा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू लोग 42, ठीक है ना 42, क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम करना है तो बाबू तबा तोड़ हम लोग क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है टेन इनवर्स एक्स और टू कॉट इनवर्स एक्स है, या इतना दिया हुआ है दोनों का जोड़, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है दोनों का जोड़, तो देखिए कैसे होगा। आप लोग बताइएगा 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स और टू कॉट इनवर्स एक्स को हम लिखते हैं कॉट इनवर्स एक्स, आप प्लस का लिखते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर का टू पाई बाटा में थ्री। तो अब देखिए ई वाला पेयर का मान कितना होगा बताइएगा, ई वाला पेयर का मान होगा पाई बाटा में दू, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला होता है, आ यहाँ हो गया कॉट इनवर्स एक्स बराबर टू पाई बाटा में थ्री। तो अब यहाँ से देखिएगा बाबू कॉट इनवर्स एक्स बराबर टू पाई बटा में थ्री माइनस, इसको ले जाइए बराबर के इस साइड, तो क्या होगा पाई बटा में दो, तो जोड़ घटाओ कीजिएगा बाबू ना, तो इसका जोड़ घटाओ डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, तो यहाँ दिखा दे रहे हैं छः लघुतम होगा, तीन दूनी छः तो यहाँ फोर पाई, और द्वितीय यानी छः तो यहाँ थ्री पाई, तो फोर पाई में से थ्री पाई घटा तो पाई बटा में सिक्स। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉट पाई बटा में सिक्स, तो एक्स बराबर कॉट पाई बाई सिक्स मतलब क्या है, देखिए पाई बटा सिक्स का मतलब होता है तीस डिग्री, तो पाई बाई सिक्स कॉट तीस डिग्री का मान कितना होता है टेन साठ वाला यानी रूट तीन, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा रूट तीन आपका हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है सब। हाँ ई वाला क्वेश्चन नंबर 43, यह क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को दिए हैं एच डब्ल्यू में, कहाँ एच डब्ल्यू में, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, नहीं बनेगा तो भी लिखेगा कि नहीं बना है, तो अगले वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा उसमें इसको समझा देंगे, तो जो अगला वीडियो आएगा तो आने से पहले बता दीजिएगा कि नहीं बना है, या बन गया है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट शायद आज का सवाल है, ठीक है ना, शायद लास्ट ही होगा। देखिए क्या है कि कॉस इनवर्स वन बटा एक्स बराबर थीटा है, ठीक है ना, क्या है थीटा है, तो टेन थीटा का मान पूछा है, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कॉस इनवर्स वन बाई एक्स बराबर क्या है थीटा, तो आप कॉस इनवर्स को इधर ले जाइए तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर वन बटा में एक्स, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया वन बटा में एक्स, बताइए बचपने में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि कॉस थीटा का मान तीन बटा पाँच है, तो टेन थीटा का मान बताइए, क्या नहीं पढ़ाया गया है बताइए,
कॉस थीटा का मान 3/5 है तो टेन थीटा का मान बताइए, क्या आप लोग नहीं निकालते थे? तो वही है कि कॉस थीटा का मान 1/x है तो टेन थीटा का मान निकालिए। यह आपका आधार है बबुआ लोग, ये क्या है कोण, ठीक है। तो फटाफट यहाँ से लंब निकाल लीजिए, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ से बाबू लोग क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब आपका x स्क्वायर माइनस 1, आधार का मान कितना है ऊपर देख लीजिए 1 है, तो आपका टेन थीटा का मान होगा रूट में x स्क्वायर माइनस 1, यही आपका मान होगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, अब हमारा एक लास्ट वीडियो आएगा इसका, ठीक है ना, क्या आएगा लास्ट हमारा वीडियो आएगा इसका, ठीक है, हमारा लास्ट वीडियो आएगा। तो ध्यान से बाबू लोग आप इसको नोट कर लीजिएगा, और जो आपको डाउट होगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि और जो आपको क्वेश्चन डाउट में होगा, यहाँ सुन लीजिए पूरा बात, यदि जो क्वेश्चन आपका डाउट में होगा तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो लास्ट क्लास आए, ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाए, क्योंकि जब कल लास्ट क्लास आएगा तो कल के बाद, ठीक है ना, आज को तारीख हो गया 17-18 से, ठीक है ना, 18 से आपका आएगा क्लास मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का जब क्लास आएगा तो आप लोगों को पीछे का एक को क्वेश्चन अब नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का क्लास आने से पहले आप लोगों का जो डाउट होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप लोग व्हाट्सएप पे उसका फोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा, हम वीडियो में करा देंगे बढ़िया से सलूशन, और जो भी परेशानी होगा बताइएगा, हम जरूर सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों का अब धीरे धीरे क्लास और बढ़ेगा, क्योंकि तबीयत जैसे जैसे और बढ़िया होगा मेरा, वैसे वैसे क्लास आपका और ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। तो पूरा आप लोग नोट करते रहिएगा, मिलते हैं एक बेहतर सीरीज में। जय हिंद।